ये कहानी एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो माफ करना तुम वहाँ भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआं पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो बार के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहां से चली है और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सैतुर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखना चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती और जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों बॉडी गायब हो जाती है और साथ ही उनका खून भी साफ हो जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सैतुर कहता है कि मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी बाहर ना निकले। फिर सर्जियो कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई एक किलर हो या हो सकता है कि हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, पर सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बताता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूं और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम के फाइल्स हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलिना उसके हार्ड डिस्क को नष्ट करती है पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। तभी सर्जियो दावा करता है ये ब्रीफकेस उसका है और इससे पहले कि सर्जियो ब्रीफकेस उठाता इस बार की ओनर एम्पारो ब्रीफकेस उठा लेती है। सर्जियो एम्पारो को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो उस ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त बाथरूम से एक अजीब आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है। ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल कहानी की शुरुआत में ये आदमी खास्ता खास्ता वॉशरूम के अंदर आया था और तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बार के गेट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। उसकी ठीक बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बाढ़ में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डू नॉट टच मी कहता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती है जिनमें लोगों ने किसी भी वायरस से बचने वाली पीपीई किट पहनी होती है। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसका मतलब कि ये जो आदमी अभी भी मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। वहीं नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वो एक टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है। तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो, लेकिन तभी सैतुन भी बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है जिस वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या उस आदमी को छू लिया है वो सबके सब इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और इनसे कहा जाता है कि उस आदमी की बॉडी को
नीचे तहखाने में बने स्टोर रूम में ले जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी पांचों लोग बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस तीन लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रेनी नाम की औरत को वहाँ पर सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रेनी सबको तहखाने का दरवाजा खोलने को कहती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ट्रेनी दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पर रखी कुछ बॉटल्स गिर जाती है। उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नजर वहाँ पर बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन ड्रेनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसीलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देती है जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो तीन लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल बुरी तरह से अभी भी ड्रेनेज में फंसा हुआ है। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो लोग देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे हैं। ये बड़ी ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर अभी भी पांच लोग जिंदा हैं तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये उसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हुई थी। अलीना उसका फोन उठा लेती है और उसके व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है? इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी चार और बची है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वो ही इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं, ये वैक्सीन काम कर सकती है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई? अचानक इसके बाद वो फोन बजना शुरू हो जाता है पर इससे पहले कि वो फोन उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वहीं एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था कि इसके पास चार और बची है तो क्यों ना हम वो चार वैक्सीन को ढूंढे। फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसके बॉडी के पास जाते हैं लेकिन इनको वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर ये वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है क्योंकि वो सब पांच है और वैक्सीन सिर्फ चार, इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई में वैक्सीन इजराइल के हाथों से छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। ट्रेनी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है इसलिए ये लोग इससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर धकेला जाता है और बड़ी ही मशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार पर बांधकर ऊपर भेजने को कहता है लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती है ऊपर तीन लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ तीन ही बची है। एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर ये लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले इंजेक्शन को वो वहाँ बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो कि बार में मरे उनके तीन साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कि बाकी के चार लोग जो स्टोर रूम में ऊपर थे वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीन कर उसे वहीं पर गोलियों से भून देता है। अब नाचो के पास गन होती है इसीलिए सब उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो शत्रु को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने को कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास तीन वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि सैतुर और ट्रीनी इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रीनी सैतुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती
है बाकी सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए। लेकिन नाचो चीनी को ऐसा करने से रोक लेता है, पर चीनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो चीनी पर बंदूक तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद चीनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थी, इसीलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा है। इजराइल सैतुर पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलिना के जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती है, वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं। पर तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है इसीलिए वो नीचे नहीं जा सकते। नाचो जल्दी से अपने इंजेक्शन एलिना को दे देता है, फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलिना के पास अब जो वैक्सीन बचा है वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में हमें इस कहानी में ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बार के वॉशरूम में खास्ता खास्ता गया था वो एक आर्मी ऑफिसर था, और हो सकता है कि आर्मी शायद किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो अपने दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके। लेकिन इस दौरान इनका एक अपना ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इन इन्फेक्शन की इंजेक्शन भी थी लेकिन ये ऑफिसर बीमार था इसीलिए वैक्सीन ने उस पर काम नहीं किया। और जब आर्मी को पता चलता है उनका वो ऑफिसर बार के अंदर है तो उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि वहां से कोई भी बाहर ना निकल पाए और उस वायरस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वो पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे इसीलिए उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और ऐसी ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।